अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, उसका नाम है ओजी पुलाव, या उसको एक और नाम से कहते हैं पर्दा पुलाव। ये इसमें इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम इसको नान के अंदर उसको दम दे के बनाएंगे। तो चलिए अपने शेफ की तरफ जानते हैं इसको बनाने का तरीका और इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट जाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पर्दा पुलाव। तो पर्दा पुलाव के लिए पहले हम इसका पर्दे का जो डग है वो तैयार करेंगे। इसमें मैंने लिए हैं 2 कप मैदा है, जिसमें ये है ईस्ट, 1 टेबल स्पून ईस्ट है। इसके अंदर हमें 1.5 कप ऑफ मिल्क, वार्म मिल्क, और 1 टीस्पून शुगर ऐड करना है और इसे 15-20 मिनट के लिए हमें मिलाकर रखना है। इस तरह से मैंने इसे मिलाकर रखा है, देखिए। और ये मैंने कर्ड ली है, और सॉल्ट। अब इस मैदे में हम थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे इस फर्मेंटेशन जो दूध है इसे हमें गूंदना है अच्छे से। हमारा जो आटा है, मैदा है, इसे हमें इसे गूंदना है अच्छी तरह से। इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 कप ऑफ दही, ताकि थोड़ी अच्छे से फर्मेंटेशन इसका अच्छा हो जाता है दही से। जो ईस्ट है कभी कभी उससे इतना अच्छा फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है, तो ये दही भी इसमें मिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। हमें इससे बहुत अच्छा आटा गूंदना है। ये हमारा अच्छे से जो डग है, आटा है, ये अच्छे से गूंद चुका है। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, 1 टीस्पून ऑफ ऑयल डाल के इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है ऑयल भी। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, तो आप अच्छे से कवर करके और साइड में रख दीजिए। जब तक मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसका मसाला मटन का तैयार करते हैं। पुलाव के लिए, इसके बिरयानी के लिए हमने मटन का मसाला तैयार करते हैं। ये 1/2 किलो मटन है हमारा। 1/2 किलो मटन में मैंने लिए हैं 1 कप ऑफ दही है, 1 बड़ा टमाटर है, 2 से 3 हरी मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और ये 2 बड़े प्याज हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल हम थोड़ा ही यूज़ करेंगे, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, तो हम थोड़ा ही यूज़ करेंगे इसमें ऑयल। जब अच्छा गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे प्याज। के तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो 2 बड़े प्याज थे, ये डाल देती हूँ। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई करना है। प्याज हमारे जो सॉफ्ट हो चुकी है, हम बस इतनी ही रखनी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। और एक प्याज हमें पहले ही ब्राउन करके आप इस तरह से निकाल दें, मेरी तो ये हुई भी है। अगर आपके पास नहीं है इसका बरिस्ता तो आप पहले ही एक प्याज इस तरह से करके बरिस्ता निकाल दें। फिर इसमें मैं डालती हूँ लहसुन अदरक, सभी अच्छा से हमें मसाला भूनना है ताकि जब तक इसकी स्मेल पूरी चली ना जाए। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, मैं इसमें डाल देती हूँ ये गोश्त। इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ 1 ये टमाटर, दही, थोड़े से मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ, पीसा हुआ धनिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अच्छी थोड़ी लाल मिर्च आपको गहरी डालनी है क्योंकि चावल के साथ फिर इसके अच्छा स्पाइस आएगा, सॉल्ट, स्वाद के हिसाब से आप डाल दीजिए सॉल्ट, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और 1 कप पानी डाल के मैं इसे बॉईल करने रख देती हूँ गोश्त को, फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप पानी, ज़्यादा पानी ना ऐड करें क्योंकि बिरयानी में इसमें तेल लगाना है, और इसे
बॉईल करने रख देती हूँ। दो से तीन सीटी पर आप थोड़ी देर कम करके इसको गोश्त को अच्छी तरह के, ये अब हमारा जो गोश्त है ये बॉयल हो चुका होगा। देखो बहुत पूरी अच्छी तरह से बॉयल है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अगर आप पानी है तो आप इसे फुल फ्लेम में सुखा दें इसे पानी। वैसे अपनी बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार है, देखो आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जावंत्री जायफल है, ये ग्राइंड करके रखती हूँ मैं इसे। आप जावंत्री जायफल 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दो। बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर दो। इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमने पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, इसमें हम चावल बॉईल करते हैं। नमक डाल के हमने पानी रखा है, इसमें मैं डाल देती हूँ 2 स्टार है एंड राइस है। इसमें सोक करके चावल रखे थे मैंने 1/2 घंटा, ये डाल देती हूँ इसमें। और हमें से 80% बॉईल करना है, पूरा बॉईल नहीं करना है, 1 करनी बॉईल करना है। हिला दो, बॉईल कर, चावल बॉईल हो रहे हैं हमारे। जब तक हम एक तवे पर एक पैन में थोड़ा सा घी लेंगे, इसे देसी घी में ही आप है ना आपको फ्राई करना है। काजू और बादाम है, बादाम के मैंने इस तरह से छिलके निकाल दिए हैं। थोड़ी देर आप इसे बॉईल करेंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो अच्छे गोल्डन हमें रोस्ट करना है। देखो ये अच्छे रोस्ट हो चुके हैं गोल्डन कलर के, इसे मैं निकाल देती हूँ। मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। 2 से 3 जो हरी मिर्च कटी हुई थी मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिए चावल में। अब हमारे जो चावल है ये 1 कनी हमें रखना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये 1 कनी हो चुके हैं हमारे, मैं इसे ड्रेन कर देती हूँ अभी, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें पर्दा इसमें तय कैसी लगानी है। ठीक है, अभी ये हमारे 2 घंटे जो है वो 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। इसको देखो कितना अच्छा हुआ है ये फर्मेंटेशन इसका। अब हम इसे निकाल के इस तरह से पहले एक बार इसको मत देंगे, अच्छे से गूंद देंगे वापस। जोरदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह। किस तरह से हम इसकी एक ही लोहे की हम बहुत ही बड़ी हमें रोटी तैयार करनी है। देखो कोई चिपके तो आप नीचे थोड़ा सा हम फ्लावर यहाँ पे डाल देते हैं और इस तरह से हमें बड़ी रोटी बेलनी। देखिए इस तरह से मैंने इतनी बड़ी रोटी तैयार की है। आपको ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और जाड़ी भी नहीं रखनी है, नान के जैसे हम रोटी रखते हैं वैसी होनी चाहिए। अब इसको हमें एक हम बाउल लेंगे इस तरह से, आप कोई भी तपेली भी इस तरह से राउंड वाली ले सकते हैं। अब इसे उठाकर हम कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ, ये ईजी रहेगा आपके लिए। आपको इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें रखेंगे, इस तरह से हम इसे फिर खोल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से इसमें खोल देंगे, पूरा बाउल में फैला देंगे ये रोटी। ये मैंने पूरे बाउल में इसको फैला दिया है। अब ये जो मेरे चावल थे इस चावल में बॉईल जो चावल थे इस चावल में मैं ऐड करूँगी ये जो अनियन का बरिस्ता था, ये थोड़े से हरे धाने, ये काजू और बादाम जो हमने रोस्ट की हुई थी फ्राई किए थे, ये थोड़े से काजू और थोड़े बादाम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े मैं बचा के रखती हूँ ऊपर डेकोरेशन के लिए, गार्निशिंग के लिए। और इसमें
मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें तेल लगाऊंगी। हमें डालना है इस तरह से, जैसे हम बिरयानी के तेल लगाते हैं उसी तरह हमें तेल लगाना है। पहले हम चावल ऐड कर देंगे इसमें इस तरह से। फिर ये हमारा जो गोश्त का मसाला था हम ये इस पे रखेंगे। और ये जो थोड़ा गोश्त है ये हम बचा के रखेंगे इसमें से, थोड़ा सा गोश्त जो है वो हम बचा के रखेंगे ताकि हम इसे नान के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और ये जो बचे हुए चावल है ये भी इस पे हम ऐड कर देंगे तरह से। देखिए इसमें केसर का दूध में थोड़े से मैंने केसर डाल के रखी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे ऐड करें और नहीं तो नहीं, पर इससे जो है वो अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा केसर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें केवड़ा ऐड करेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं इसे, पर इसे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और अभी हम इसे बंद करेंगे इस तरह से, हमें एक लेयर इस पर रखनी है ऐसे बहुत। और यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी, दूध भी लगा सकते हैं आप, पर पानी इस सिर्फ इससे चिपकाने के लिए हमें लगाना है। यहाँ पे हम लगा देते हैं पानी, देखिए इस तरह से। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, हमें फोल्ड करना है। यहाँ भी हम पानी लगा देंगे, हर लेयर पे हमें पानी लगाना है ताकि अच्छे से जो है हमारा चिपक जाए इस तरह से। इस तरह से हमें इसे बंद करना है, देखिए। इस तरह से आप ओवन की ट्रे लेंगे और इस पर हम थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देंगे। घी है ये, बटर या घी आप ग्रीस करें ताकि इसकी खुशबू से नान जो है वो अच्छा पकेगा। अब इसे हमें इस तरह से डालना है, इसको आप पहले उल्टा करके इस पर रखो, फिर इसे आपको टर्न करना है। इस तरह से पलट दिए हमने इसको तो ये बहुत अच्छे से। इस पर भी हम थोड़ा बटर या घी आप इस पर थोड़ा सा, अगर आप बटर या घी को स्किप करना चाहते हैं तो आप इस पर ऑयल लगा दें। और 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने ओवन को 10 मिनट्स के लिए गर्म किया हुआ है। अब हम इसे ओवन में रख देते हैं। जब ये बेक हो जाए तो हम आपको बताएंगे। हम देखते हैं ये हमारा बिल्कुल रेडी है, देखिए। अभी मैं आपको इसका सर्व करने का तरीका बताती हूँ, हम इसे सर्व कैसे करेंगे। ये इसे सर्व करने के लिए हम इसे एक बड़े इस तरह से थाल में रखेंगे ये, जब और इस तरह से हमें इसे कट करना है। देखिए कितना क्रिस्पी ऊपर से और कितना अच्छा नान हमारा ऊपर से तैयार हुआ है, और अंदर की हमारी बिरयानी इतनी बहुत ही अच्छी दम हो चुकी है। देखिए आप ये जो है, जब मेहमान वगैरह हमारे आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक डिश है। इसके ऊपर अब हम गार्निश करते हैं काजू और जो हमने बचा के रखे थे। और ये जो है इसमें मैंने पानी डाल के थोड़ा सुरवा बना लिया है, इसको भी आप नान से सर्व करेंगे हम। बस अब ये तैयार है, अब मैं इसको टेस्ट करूंगा फिर आपको रिव्यू दूंगा। तो हमारा ये पर्दा पुलाव तैयार है, माशाल्लाह जो केसर और केवड़े की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से आ रही है। मैं ट्राई करता हूँ चावल, देखें आप थोड़ा कैमरा पास में लाएं और दिखाएं आपको, देखें आप एकदम सब ज़बरदस्त हो गया है। मैं ट्राई करता हूँ। और दूसरी बात, ये जो इसमें जो है ना अपन ये जो मटन की जो ग्रेवी है ये भी अपन एक्स्ट्रा मतलब एक ही डिश में आप ये भी निकाल सकते हैं, ताकि किसी को अगर चावल पसंद नहीं हो
तो वो इससे नान से भी ये खा सकते हैं जान। तो माशाल्लाह इसको ट्राई करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए गोश्त एकदम गल गया है माशाल्लाह, और पुलाव खाने का मज़ा हाथ से आता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाना ना भूलें। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, आप दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।